हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंटरसेक्ट कमांड के बारे में बताऊंगा। ये है इंटरसेक्ट कमांड। तो चलिए देखते हैं इंटरसेक्ट कमांड कैसे यूज करते हैं और इसका यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आप लोग जानते हैं शॉर्टकट REC से, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, इससे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं कुछ भी रख लेता हूँ इस तरह से, ये ठीक है। ओके कर दिया, रेक्टेंगल ले लिया हमने। ठीक है, एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ इतना। देखिए इंटरसेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बेसिकली समझा दे रहा हूँ। ये जो आपका ये है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो रेक्टेंगल है, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एरिया जो इंटरसेक्ट कर रही है इसी को ये बना देता है इंटरसेक्ट में। तो चलिए मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ दोनों को, दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लिया हमने। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड लिया, सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया इस तरह से इस साइड में इस। ठीक है, अब देखिएगा एक ये अलग है आपका, ये अलग है। हम क्या करें, दोनों को जहाँ इंटरसेक्ट, जैसे इंटरसेक्ट कमांड लेते हैं, इंटरसेक्ट ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया। जो इंटरसेक्ट कर रहा था उतना ऑब्जेक्ट बचा, बाकी आपका चला गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्लेड फैन होता है, टेबल फैन होता है, उसकी ब्लेड होती है, तो उसको मुझे बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक ब्लेड, सिंगल ब्लेड का मैं बना के आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक टॉप पे हमने क्या किया, टॉप ले लिया, टॉप पे मैं करता हूँ स्केच कर लेता है स्प्लाइन से, SPL शॉर्टकट की है स्प्लाइन का। ठीक है, अभी क्या है, या फिर टॉन है या फिर टॉप कर देंगे हम। ठीक है, स्प्लाइन से हमने ब्लेड के लिए मैं बना रहा हूँ। और फिर से स्प्लाइन से ही मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ स्प्लाइन लेके ही। ठीक है, ये जो बाहर निकल रहा है इसको ट्रिम कर देते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जे आप जानते हैं जैसे ज्वाइन। ठीक है, हमने इसे ज्वाइन कर लिया, अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब टॉप या लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है, या टॉप से, जिससे भी चाहें। ठीक है, एक आर्क लेते हैं, आर्क से हम क्या करेंगे, आर किस तरह से लेते हैं ये, ऐसे हमने एक आर्क ले लिया। क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे। जो फैन की थिकनेस हो, ब्लेड की थिकनेस होगी, कुछ भी मान लीजिए, अभी हम तो ऐसे मान लिए, उसी ऑफसेट कर देते हैं थिकनेस के, जितना मुझे थिकनेस चाहिए इस तरह से। ये मैंने बहुत ज़्यादा ले रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। लाइन लेके हमने क्या किया, इस ये एंड पॉइंट ऐड कर, ठीक है, ये एंड पॉइंट ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको भी ज्वाइन करके, ज्वाइन कमांड से ऑब्जेक्ट को पूरा मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ सीधा, आपको व्यू चेंज जिसमें विजिबल हो क्लियरली, ये इस तरह से। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड लेते हैं। एक्सट्रूड कमांड हमने इस पे इसको लिया, एक्सट्रूड किया, ठीक है, ये ऐसे, और एक्सट्रूड इसको भी लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट अपना प्रोफाइल को हमने एक्सट्रूड लिया, प्रोफाइल को
ये भी प्रोफाइल भी सॉर्ट कर दिया हमने। अब देखिएगा इंटरसेक्ट कमांड यूज कर रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटर कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं इजली आपका ये फैन का, जैसे ये बहुत ज़्यादा थिकनेस ले रखा था हमने, रेंडमली ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको देखिए ये प्रोफाइल, जितना भी कर्व देना है आपको, कुछ भी करना है उस तरह से आप कर्व दे सकते हैं इजली, ठीक है। अब इसे 3 ब्लेड बनाने हैं, एरे ले लीजिए, एरे लेके आप बना सकते हैं सर्कल, यहाँ बीच वाला पोर्शन, उसके बाद ये फैन का ब्लेड बना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। ये सिंपल सा एग्जांपल था, आप यूज कहाँ होता, आप सोचोगे कि इंटरसेक्ट कहाँ यूज होगा, तो इस तरह से यूज होता है जब मेरा कोई प्रोफाइल देके इंटरसेक्ट करा के कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाना रहता है, तो आप इसी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।